गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं बना क्योंकि थोड़ा काम था मॉर्निंग से ही आज, और आज सैटरडे था तो मेरा हाफ डे था ऑफिस का, तो मैं ऑफिस से आने के बाद बस लंच वगैरह किया और फिर मैं सो गई थी। अभी उठी तो अभी हमें थोड़ा बाहर जाना है, थोड़ा सामान लेके आना है। हम डी मार्ट जाएंगे अभी, तो देखते हैं हम कौन सा डी मार्ट जाते हैं। एक बहुत सारे डी मार्ट हैं आस पास में, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं जहाँ पर हमारी सारी चीज़ें जो चाहिए हमें वो मिल जाए। सो गाइस, हम निकल गए हैं और पहले डिसाइड किया है कि हम कुछ और काम से पहले जाएंगे, कुछ सोनार के यहाँ जाना था कुछ काम से, तो वहाँ जाएंगे पहले। बहुत बाकी है, मैं नूडल्स भूल गई, मैं ड्राई फ्रूट्स भी भूल गई हूँ अभी लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाकी है। प्लेट्स, हर बार जाने से पहले इतना काम करना पड़ता है, हर बार जाने से पहले इतनी सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, क्योंकि हम 7 महीने के लिए हर एक चीज़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ शिप से हर टाइम बाहर जाना, चीज़ें अवेलेबल होंगी नहीं होंगी, कैसे मिलेगी, महंगा पड़ता है, इसलिए हर टाइम हर एक सी फेयर, हर एक मर्चेंट नेवी वाला बंदा जब भी जाता है शिप पे, वो अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें लेके जाता है। तो ज़्यादा तो हम लोग ब्लॉग्स बना नहीं पाए थे डी मार्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे फटाफट सामान लिया और निकल गए। क्या सामान लिया आपको हम घर जाके बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं DK ज्वेलर्स के पास में, एक रिंग है उसको यहाँ से बनवाना है। फाइनली हम DK पहुंच गए हैं। सो फाइनली गाइस, हम मार्केट से आ गए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर में, इसलिए कुछ वीडियोस वगैरह भी बनाने का मन नहीं किया। बस हम रूम से डी मार्ट गए थे, डी मार्ट से जो सामान चाहिए था हमने फटाफट सामान लिया। उसके बाद गए थे हम DK ज्वेलर्स में, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक रिंग जो मेरी थी उसका थोड़ा सा साइज़ वगैरह चेंज करवाना था, बट वो बनी नहीं, तो बाद में मैं जाऊँगी कभी वहाँ पे बनवाने के लिए दोबारा एक बार और। और उसके बाद हम बस रूम पे आए, सारा सामान हमने रखा है अपना वापस, फिर हम निकल गए थे। यहाँ पास में कैफ़े है, वहाँ पे हमने चाय पी, वड़ा पाव खाया और कुछ टाइम तक वहाँ बैठे रहे वहाँ पर हम। और उसके बाद हम गए थे फ्रूट्स लेने के लिए, तो फ्रूट्स में हमने वाटरमेलन लिया है, मास्कमेलन लिया है और पपाया लिया है। और तक सोचे कि थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी में खाना खाने का मन करता नहीं है, इसलिए हमने थोड़े से फ्रूट्स ले लिए थे, तो अभी नाइट में हमने फ्रूट्स खा लेंगे। 2 वाटरमेलन लिया था, पपाया है और ये मास्कमेलन है। डी मार्ट से हमने क्या सामान लिया था वो मैं आपको दिखा दूँगी। और पहले मैं शावर ले लेती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, शावर लेके मैं थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और सो गाइस, मैंने शावर ले लिया था और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या सामान लिया है आज वहाँ से। ये वो सामान है, ये बॉडी लोशन वगैरह जो है ये लिया है, ये परफ्यूम है, ये पाउडर है, ये ब्रश है और ये टूथपेस्ट है, और मिक्सचर वगैरह लिया है हमने, जो जो चीज़ें चाहिए थी। बाकी सारी चीज़ें तो हमें मिली नहीं, बाकी सारी चीज़ें तो हमें मिली नहीं डी मार्ट से। और डी मार्ट जाने का एक मतलब ये भी था, क्योंकि डी मार्ट में अलग अलग वैरायटी के सारे सामान हमें मिल जाते हैं। बाकी अगर दुकान में जाओ आसपास वाली में, तो सिर्फ आपको एक या फिर दो ही वैरायटी मिलेंगी, जैसे कि परफ्यूम हुआ, बॉडी लोशन हुआ, नमकीन हुए, टूथपेस्ट हुआ,
ये सब में ना आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगी और थोड़ा बहुत ऑफर भी मिल जाता है वहाँ पे, तो इस वजह से हम डीमार्ट चले गए थे। और बाकी और भी बहुत सारा सामान है जो कि अभी लेना बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ क्रूजिंग गर्ल। और आगे आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पे।